नमस्कार बीचा उनकी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते हैं बॉलीवुड की प्रमुख खबरों की ओर। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। फेमस यूट्यूबर से सांप के जहर को सप्लाई करने और रेप पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस ने बीती रात पूछताछ की। सेक्टर 20 थाने में उनसे तकरीबन 3 घंटे पूछताछ हुई। एल्विश मीडिया से बचने के लिए गुपचुप तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर से डीसीपी एसीपी लेवल के अधिकारियों ने पूछताछ की। एल्विश से आज फिर पूछताछ हो सकती है। नोएडा पुलिस आरोपी राहुल और एल्विश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। वहीं बुधवार को गिरफ्तार 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड नोएडा पुलिस को मिल सकती है। रैपर सिंगर हनी सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उनका पत्नी शालिनी से तलाक हो गया है। लंबे समय से मशहूर सिंगर अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए थे। आखिरकार दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने कपल को अलग होने की मंजूरी दे दी है। फैमिली कोर्ट ने हनी सिंह और उनकी पत्नी के बीच 2.5 साल पुराने मुकदमे का निपटारा करते हुए दोनों पक्षों के तलाक को मंजूर कर दिया है। त्योहारों में बॉलीवुड में एक अलग ही धूम रहती है। सेलेब्स भी इस त्योहार को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने दिवाली पार्टी होस्ट की है। इस पार्टी में बॉलीवुड के सेलेब्स ने शिरकत की। सलमान खान का नाम सबसे ऊपर रहा। भाईजान इस महफिल की जान बने। वहीं कीर्ति खरबंदा और ईशान खट्टर ने भी इस पार्टी में खूब रंग जमाया। विद्या बालन ने भी इस पार्टी में शिरकत की। इस बार उन्होंने साड़ी की जगह सलवार सूट कैरी किया था। सोशल मीडिया पर फेक कंटेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर एक्ट्रेस ने रिएक्ट करते हुए निंदा की थी। वहीं अब सोशल मीडिया पर फेक कंटेंट को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि उन्हें इंटरनेट पर किसी भी तरह के डीप फेक या मॉफ्ड वीडियो को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध पर आधारित फिल्म फौज द बैटल ऑफ फिली जल्दी रिलीज होगी। इस फिल्म का नया पोस्टर हाल ही में जारी किया गया है। फिल्म का निर्माण स्वामी चरण फिल्म्स, एमएन तातुस्कर फिल्म्स प्रोडक्शन, हर्ष जोशी प्रोडक्शन, कहानी और निर्देशन प्रकाश जनार्दन पवार ने किया है। यह फिल्म 2024 में रिलीज होगी और इसमें अशोक समर्थ, किरण गायकवाड़, सोमनाथ ढक्के और उत्कर्ष शिंदे मुख्य भूमिका में हैं। मयूर तातुस्कर, कुशन जोशी, महेश कारवंडे, नीलेश रमेश चौधरी और अमृता धोंगड़े निर्माता है। फिलहाल बी टाउन की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।